हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का दो दिवसीय यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ निजी कॉलेज परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान द्वितीय यूथ फेस्टिवल में प्रदेश भर के 20 महाविद्यालयों के 300 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विक्रम महाजन भी मौजूद रहे। शुभारंभ अवसर पर छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी देकर समा बांधा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का दो दिवसीय यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल में युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ठाकुर ने युवा छात्रों को फेस्टिवल में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। टेक्निकल इंडस्ट्री हमीरपुर में ये टेक्निकल एजुकेशन के थर्ड यूथ फेस्टिवल यहाँ गौतम कॉलोनी में मनाया जा रहा है। बहुत ही प्रतिभागी जो यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी प्रतिभाओं को वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जितनी भी आइटम्स अभी तक मैंने देखी हैं, बहुत ही हाई क्लास के यहाँ पर बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और बहुत बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। ये मैं इस शुभ अवसर पर यहाँ जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार व दूसरे स्टाफ यहाँ पर उपस्थित हैं, व सभी छात्र छात्राओं का डिफरेंट कॉलेज के हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सबको शुभकामना भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। ये दो दिन का जो यहाँ यूथ फेस्टिवल का जो प्रोग्राम चला है, यहाँ दर्शकों को भी मज़ा आएगा व छात्र छात्राओं को जहाँ उनको इनाम के जीतने के लिए अपनी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहाँ करना पड़ेगा, तो इसमें बच्चों की कंपटीशन की भावना भी बढ़ेगी और दर्शकों को देखने का मज़ा भी आएगा। बहुत ही उच्च कोटि का जो है यहाँ पर यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि दो दिनों तक चलने वाले यूथ फेस्टिवल में 300 युवा हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यूथ फेस्टिवल में प्रदेश के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए मौका मिलेगा। ये यूथ फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन गौतम गर्ल्स कॉलेज हमीरपुर में आज इसकी शुरुआत हुई है, माननीय विधायक हमीरपुर क्षेत्र श्री नरेंद्र ठाकुर जी के द्वारा। दो दिन का ये यूथ फेस्टिवल है जिसमें हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित 20 जो विद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 250 के करीब प्रतिभागी बच्चे जो हैं कॉलेजेस के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूथ फेस्टिवल में भाग ले रहे युवाओं ने बताया कि यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दो तीनों तक चलने वाले फेस्टिवल में युवाओं को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी रोडू की तरफ से यहाँ पे सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्थानीय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विवेक शर्मा जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है, हम पे भरोसा किया है और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है काफ़ी अच्छा है। हमें ये प्लेटफॉर्म जो है हिमाचल
प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जो प्रोवाइड किया है, इससे जो इस यूनिवर्सिटी के बच्चों का जो टैलेंट है वो बाहर निकलेगा और वो देश का नहीं बल्कि हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम जो है वो विश्व में रोशन करेंगे। और मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी कॉलेज आए हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर भरोसा किया है, वो कुछ ना कुछ आगे उस कॉलेज के लिए और इस देश के लिए जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।